निशांत और प्रतीक के झगड़े में क्या प्रतीक को भड़का रही है नेहा? बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक और निशांत के बीच दोस्ती लगभग खत्म हो गई है। दोनों एक दूसरे को गलत बता रहे हैं और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच नेहा प्रतीक को निशांत के खिलाफ भड़काती नजर आई है। दरअसल प्रतीक और निशांत के बीच दोस्ती वाली बॉन्डिंग को लेकर जमकर बहस हुई। प्रतीक ने निशांत के ऊपर ये आरोप लगाया कि निशांत की हरकतों की वजह से उनकी दोस्ती टूट की कगार पर पहुंच गई है। वहीं निशांत ने भी दोस्ती टूटने के लिए प्रतीक की हरकतों को कारण बताया। दोनों के बीच नॉमिनेशन टास्क में जब नेहा ने शमिता को सुरक्षित किया था वो बात भी उठाई गई, और टास्क में जब निशांत ने प्रतीक का साथ नहीं दिया वो बात भी उठाई गई, जिसके बाद निशांत मुस्कान आपस में बातचीत करते और प्रतीक को गलत ठहराते नजर आए। वहीं नेहा और प्रतीक भी आपस में बातचीत करते नजर आए जहां वो निशांत को गलत बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से नेहा हर जगह निशांत को गलत बताकर प्रतीक की बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नेहा कहीं न कहीं निशांत और प्रतीक के बीच हुए झगड़े में घी डालने का काम कर रही है और वो इन दोनों के बीच झगड़े को भड़का रही है। और अगर नेहा चाहे तो वो इन दोनों के बीच अब भी सुलह करा सकती है। आपको बता दें कि निशांत और प्रतीक की दोस्ती की वजह से इनकी गेम काफी स्ट्रांग थी, और अब दोनों की दोस्ती अगर टूटती है तो दोनों की गेम पर इसका विपरीत असर देखने को मिलेगा। हालांकि बिग बॉस के घर में दोस्ती दुश्मनी के समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निशांत और प्रतीक की दोस्ती गेम में आगे कायम रहती है या फिर इस झगड़े के बाद दोनों की दोस्ती पूरी तरह से टूट जाती है।